हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों के लिए मैं कोरल ड्रॉ का फुल कोर्स हिंदी में लेके आ चुका हूँ। इसमें मैं आप लोगों को पूरा कोरल ड्रॉ के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में, कोरल ड्रॉ में क्या यूज होता है, क्या बना सकते हैं हम, क्या डिजाइन कर सकते हैं, हर प्रकार का जो डिजाइन है वो उसके बारे में बताएंगे, उसके कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में बताएंगे। इसमें केवल आपको क्या करना है, आपको अपना समय लेके आना है। इसमें बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। बस आपको केवल अपना समय लेके आना है और वीडियो को देखना है। इसमें मैंने कोरल ड्रॉ को मैंने क्या किया है, पार्ट वाइज डिवाइड किया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके। इसमें आपको हर पार्ट बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, ताकि आप एक एक पार्ट करके देख सकें, अच्छे से समझ सकें। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कोरल ड्रॉ के मास्टर बनिए और एक बेहतरीन डिजाइनर बनिए। जो भी जैसे बेडिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लोगो, बैनर, पोस्टर, हर प्रकार के डिजाइन आप बना सकते हैं, वो भी कोरल ड्रॉ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो पार्ट वाइज वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास आए और आप उसको देख के पढ़ सकें और बेहतरीन तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकें। इसमें मैंने शुरू से कोरल ड्रॉ शुरू से बेसिक से बताया है, इसमें वो भी फुल हिंदी में बताया है। उसका टूल्स का क्या मतलब है, उसमें कौन सा कितना साइज लेना है, उसमें ओपन करते हुए से लेके पूरा मैंने बताया उसके हर एक टूल्स के बारे में, और उसके जितने भी टूल्स हैं उसका यूज हर एक पॉइंट, हर एक डिजाइन के साथ में करेंगे उसका। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, और आप लोगों को नॉलेज देने के लिए मैं रेडी हूँ। बस आप लोग नॉलेज लेने के लिए रेडी रहिए। सो कोरल ड्रॉ भी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिंपली हमको क्या करना है, सबसे पहले कोरल ड्रॉ का जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है उसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करते वक्त हम बताएंगे उसमें सेटिंग क्या क्या, कितना साइज लेना है। तो अभी ये कोरल ड्रॉ ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें अभी साइज पूछेगा, जो आपका पेज रहेगा उसका साइज क्या रहेगा। तो हमें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना, ठीक है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टमर साइज, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे बिजनेस कार्ड, आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर लिए, लेटर वगैरह अगर है तो उस हिसाब से यहाँ पर साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो साइज सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो बिजनेस कार्ड बनाना, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस कार्ड का साइज क्या है उस हिसाब से यहाँ पर इंचेस है, यहाँ पर इंचेस में यहाँ पर फीट कर सकते हो, पिक सेलेक्ट कर सकते हो, यार्ड्स, मील्स, किलोमीटर्स, मतलब जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर RGB यहाँ पर कलर CMYK ले सकते हो, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यहाँ से CMYK भी ले सकते हो। यहाँ पर 300 DPI जो है DPI, यहाँ पर इसका चेंज भी कर सकते हो, बस 300 काफ़ी यही रहने देना है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। और यहाँ से आपका इन्हेंस्ड ही रहने देना है, ठीक है, यहाँ से कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका पेज आ जाएगा, ब्लैंक पेज। अभी हम यहाँ पर टूल्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा फाइल्स है, ठीक है। फाइल्स में यहाँ पर न्यू कंट्रोल एन शॉर्टकट की है न्यू के लिए। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, अगर न्यू पेज लेना है तो यहाँ से न्यू करके नया पेज ले सकते हैं। कंट्रोल ओ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ से फाइल में ओपन होगा। कौन सा फाइल सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ से पेज में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिसेंटली जितना आपने वर्क किया है यहाँ पर रिसेंटली चीज़ें दिखती हैं। यहाँ से क्लोज होती हैं, जो वो आपका पेज है यहाँ से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया है, पेज मेरा क्लोज हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ठीक है। सिम जो आपको लेना है यहाँ से न्यू ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बता रहा है बिजनेस कार्ड सिलेक्टेड है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लोज ऑल करेंगे तो पूरा क्लोज हो जाएगा। यहाँ से सेव, जब यहाँ पर कुछ कंटेंट टाइप करेंगे यहाँ पर कुछ सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेव एज, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज है और कंट्रोल एस सेव के लिए, ठीक है। यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सोर्स वगैरह सेलेक्ट करने के लिए है, यहाँ पर ये इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, सब बताएंगे इसमें। इम्पोर्ट करने के लिए कंट्रोल आई है यहाँ पर, इम्पोर्ट करने के लिए आपको अगर इम्पोर्ट करना है जैसे कि साइज का PDF करना है या कुछ भी करना है, वो यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं, प्रिंट मर्ज कर सकते हैं यहाँ से,
करियर लो जो भी है यहाँ पर, प्रिंट सेटअप भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जिट के लिए आल्ट एफ फोर है, आल्ट एफ फोर कंट्रोल शॉर्टकट की है, ऐसे डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा आल्ट एफ फोर करेंगे तो। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये न्यू का यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से करेंगे तो न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ से करेंगे तो कोई फाइल अगर आपको यहाँ पर ओपन करना है यहाँ पर, तो यहाँ से करेंगे। इसका कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है, कंट्रोल एस सेव के लिए, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी है शॉर्टकट की, ठीक है। यहाँ से ये कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, जैसे आपको कुछ यहाँ पर हो गया है मतलब इसको कट करना है, जैसे अंडू होता है ना अंडू, यहाँ से कट करके मूव करना होता है, तो ये कट करने के लिए यूज होता है यहाँ पर। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल एक्स से अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट जैसे मूव करते हैं वहाँ से फाइल पेज जो है वहाँ से वर्ड हट जाता है, तो सेम यहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से अंडो होता है, यहाँ से रीडो होता है। अंडो का शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, रेडो का कंट्रोल वाई, ठीक है। कंट्रोल आई से इम्पोर्ट, ये मैंने आपको बताया। कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट होता है। एप्लीकेशन लॉन्चर है, यस, वेलकम स्क्रीन, यहाँ पर ये सब रहेगा, मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊँगा। ये जो हमारा टूल है पिक टूल है, ठीक है। इसके अंदर हमारा अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर फ्री हैंड पिक है, ठीक है। तो इसका यूज आता नहीं है विशेष, विशेष यूज हमें ये लगता है, ठीक है। अभी हम इसका यूज समझाते हैं आपको क्या क्या है। यहाँ पर ये सब इसका साइज दिया हुआ है, कितना बिट है, कितना हाइट है, ठीक है। ये जो इसका साइज है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप साइज भी बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पोर्ट्रेट है ये वाला, यहाँ से आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है, बट ये न्यू पेज लेते वक्त ही करना है आपको। यहाँ पर ऑल पेजेस है, यहाँ पर दिखेगा मतलब जो भी यहाँ पर करंट पेज है, अगर तीन चार पेज एक साथ में आप यूज करते हैं तो यहाँ पर करंट पेज पे आ सकते हैं, जो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये अभी इंचेस में सेलेक्ट है, आप यहाँ से भी पिक्सेलेट फीट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फिर उसका हाइट विथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मार्जिन वगैरह जो रहता है, यहाँ से घटाना बढ़ाना, डिस्टेंस दूरी कितना रखना है उस हिसाब से यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ये शेप टूल है, शेप टूल F10 से आता है, ठीक है। शेप टूल के अंदर भी टूल्स हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये शेप टूल है, ठीक है। ये स्मूथ ब्रश है और ये है रगन ब्रश, ठीक है। ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, ये है स्मियर, ये है ट्विल, ये है अट्रैक्ट, ये है रिपेल। ये सब का यूज आपको डिजाइनिंग करते वक्त ही बताया जाएगा, इसमें सब का यूज मैं बताऊंगा डिजाइनिंग करते वक्त। यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कुछ पिक्चर वगैरह लिया उसको कट करना हुआ, नाइफ से भी कट ही करते हैं। यहाँ पर इरेजर है, वहाँ से उसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है, यहाँ पर जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ से उतना डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका सब का मतलब मैं समझाऊँगा पूरा एक एक पॉइंट के साथ में। यहाँ पर फ्री हैंड है, ठीक है। ये फ्री हैंड F5 से आता है, ठीक है। ये सब ड्रॉ करने के लिए है, टू पॉइंट लाइन ड्रॉ, ये सब ड्रॉ करने के लिए है। जैसे आपको कुछ डिजाइन करना हुआ तो यहाँ से ये सब ड्रॉ करने का ऑप्शन है, इस हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका भी पॉइंट मैं पूरा समझाऊंगा आपको। और ये है, अभी हम क्या करते हैं, स्मार्ट फिल टूल है ये, यहाँ से फिल करते हैं कलर वगैरह। ये रेक्टेंगल है, यहाँ से इसके अंदर भी कई चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल है और थ्री पॉइंट रेक्टेंगल है, मतलब तीन पॉइंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एलिप्स है, एलिप्स सर्कल वगैरह अगर डिजाइन करना हुआ आपको, ये इसका शॉर्टकट की है F7, ठीक है। एलिप्स हो गया, और फिर यहाँ पर आ गया पॉलीगॉन टूल, ठीक है। ये सब डिजाइनिंग का काम करता है। ये यहाँ पर टेक्स्ट के लिए आ गया,
यहाँ से ब्लेंड टूल वगैरह करते हैं यहाँ पर कलर ऐड करने के लिए। यहाँ से पिक टूल है, कलर पिक टूल, ठीक है, आई ड्रॉपर है यहाँ से, ये सब आउटलाइन पेंटर है यहाँ पर, कलर ड्रॉपर है, फिर यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल है जो फिल करते हैं। इस सब के बारे में मैं बताऊँ, ये आपका यहाँ पर आ गया है, ये सब कलर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पूरा कलर है, ये पेजेस है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर हम अभी शुरू करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। आपको अगर कुछ डिज़ाइन यहाँ पर मैं बताने के लिए यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, अगर आपको कुछ परफेक्टली डिज़ाइन बनाना है तो इसके अंदर ही आपको बनाना है, ठीक है। अभी हमने ये क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद हमने कोई भी कलर दे दिया, ठीक है, हमने कोई सा भी कलर दे दिया। अभी इसको क्या करना है हमें, मान लो इसको हमें एलिप्स का शेप देना है या किसी अन्य चीज़ का शेप देना है, तो हमें यहाँ पर लेना है शेप टूल, शेप टूल लेना है यहाँ से। देखो शेप टूल अभी यहाँ से हम करेंगे ना तो यहाँ से होगा नहीं, हमको अपने हिसाब से अगर डिज़ाइन करना है तो ये ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है ना, कन्वर्ट टू कर्व्स, कर्व्स करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट की है Ctrl Q। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ से इसका कुछ भी साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा, ये ऐसा हमने बना दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, डबल करने के लिए Ctrl D करेंगे, ठीक है, Ctrl D करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इसको फ्लिप करने का, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने कर दिया फ्लिप, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर देखिए ये अभी हमारा आ गया, यहाँ पर डिजाइन ऐसे थोड़ा बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस हिसाब से अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर